नमस्कार, माय ओन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। आज से हम एक नई सीरीज आरंभ कर रहे हैं और इसका नाम है विभिन्न चिकित्सकों की उनकी विशेषज्ञता के अनुसार क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो आज सबसे पहले हमारे साथ में हैं डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान खेड़ा डाबर नई दिल्ली में। आप MS आयुर्वेदिक सर्जरी में हैं और वर्तमान में PhD परस्यू कर रहे हैं। आपका लीच थेरेपी पर, अग्निकर्म पर और आयुर्वेद के पैरा सर्जिकल प्रोसीजर पर काफ़ी कमांड है। आप इस समय आज के इस एपिसोड में हमारे साथ रहेंगे और आयुर्वेद की जो एक रक्त मोक्षण की विशिष्ट विधा है जलों का, उसके विषय में जानकारी हमारे बीच में रखेंगे। कहाँ कहाँ हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और किस जलों का प्रयोग चिकित्सा में करना है, किसका नहीं करना है, लीच थेरेपी के क्लिनिकल इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, लीच थेरेपी की मेथडोलॉजी क्या है और हम एप्लीकेशन के लिए लीच और पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, फिर हम ये भी जानेंगे कि लीच एप्लीकेशन के बाद में प्रॉपर ब्लड लेटिंग के क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि किस समय हमें लीच को वहाँ से विड्रॉ करना है और लीच इम्प्योर ब्लड ही सक करती है क्या, फिर एक सवाल आता है तो फिर आयुर्वेद के अनुसार इम्प्योर ब्लड की क्या डेफिनेशन हम मांगेंगे, फिर उसको जब वो अप्रोप्रिएट ब्लड लेटिंग का हमें पता लग जाता है तो साइड से लीच को हम कैसे रिमूव करेंगे और जलों का और रोगी को पोस्ट एप्लीकेशन मैनेजमेंट यानी के पश्चात कर्म क्या क्या होंगे, ये सारा विषय हम रखेंगे। लीच का मोड ऑफ एक्शन क्या है, हम किसी व्याधि में जब जलों का लगाते हैं तो वो किस तरीके से साइंटिफिकली उसका एक्शन क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है लीच लगाने में, उसको रिमूव करने में, और लीच एप्लीकेशन और थेरेपी पर कोई पब्लिश लिटरेचर है या नहीं है, उस लिटरेचर का भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर महेश जी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान में, और वो है लीच फार्मिंग। तो लीच फार्मिंग के विषय में भी हम उनके व्यक्तिगत अनुभव को आज यहाँ शेयर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल जाएगा और इस सीरीज में अन्य विशेषज्ञों के भी अपने निजी अनुभव और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो किन और अन्य विषयों पर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के सामने लेकर आएं? धन्यवाद, देखते रहिए माय ओन आयुर्वेदा। ठीक है जी, आज चूंकि जलों का आचरण टॉपिक पर डिस्कशन होना है, इससे संबंधित जो भी बातें हम कहेंगे मोस्टली वो एक्सपीरियंस बेस है और मैं ये कोशिश करूंगा कि क्योंकि विषय बहुत लंबा है, जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ही वो बढ़ता जाता है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक सार समझाने की कोशिश करूंगा और विशेष रूप से अगर किसी को जिज्ञासा है तो मैं वो जिज्ञासा शांत करने की प्रयास करने की कोशिश करूँ। अब आते हैं अपने विषय पर। तो जलों का एक वैज्ञानिक विश्लेषण और उसका चिकित्सकीय प्रयोग है जिसका आज हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। जब भी हम किसी विषय को शुरुआत करते हैं तो उसके कुछ पिलर्स या जो है माइलस्टोन्स होते हैं जिनके आधार पर जलों का या हमारे विषय की पहचान होती है। तो अगर हम काय चिकित्सा संप्रदाय से ही शुरू करें तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं जलोक्सो अनुशस्त्राणाम। तो अनुशस्त्र है अर्थात जो पैरासर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें 14 जो है विशेष रूप से बताए गए हैं, उनमें से जो है जलौका एक है और वो जलौका अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है, ऐसा चरक संहिता में वर्णित है। ऐसे ही
अगर किसी को रक्तस्राव करानी है और आपको लगता है कि वो बहुत सुकुमार है और आसानी से रक्त मोक्षण कराना जरूरी है, तो उस अवस्था में हमें जलौका का प्रयोग करना चाहिए। तो जलौकास्तु सुखी नाम रक्त स्राव योजये, ऐसे ही जलौका नाम ही उसके लिए फिक्स हो गया है। हालांकि जल में रहने के कारण किसी को भी जलौका कह सकते हैं, बट क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जलौका मीन्स जल और ओक निवास स्थान, और क्योंकि जल ही निवास स्थान है और बिना जल के लीच का हम जीवन संभव नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं, जलम आसाम आयुरिति जलायुक्सा, जलायु का और जलम आसाम ओका इति जलौक्सा। इसीलिए अगर आज मॉडर्न के हिसाब से जब हम जोंक की बात करते हैं तो दो तरीके के जोंक दिखाई देते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल लीचेस और एक है मैराइन लीचेस या सी लीचेस या एक्वेटिक लीचेस। तो जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है वो हम जल वाली लीच की ही बात करते हैं। ऐसा बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं जिसमें बहुत तरीके के लीकेज हैं जो नॉर्मली वो सॉयल में या अर्थ पे ऐसे मिल सकते हैं, बट जो हमारी जो लीकेज शास्त्र के हिसाब से है वो उनके नामकरण में ही छुपा है कि जल के बिना वो रह ही नहीं सकते। जल ही जिसकी आयु है और जल ही जिसका निवास स्थान है वही जलौका है, और हम उसी जलौका को ही चिकित्सकीय प्रयोग में यूज करते हैं। फिर अगला टॉपिक कि हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है जिसमें पंच महाभूत और त्रिदोष की बात होती है, तो त्रिदोष में जो स्पेशली पित्त रोग हैं और पित्त के कारण जो रक्त की दुष्टि है, या हम ऐसा कहते हैं पित्त और रक्त जो आश्रय आश्रयी भाव से रहते हैं उससे उत्पन्न जो विकार होंगे हम उसमें विशेष रूप से जलौका का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम जलौका का यूज करते हैं तो हमारे साथ जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है सब्दो राग रुजा समन। दुष्ट रक्त अगर कहीं से निकल जाए या डिजीज साइट से हम उसका लेटिंग या लेट आउट कर ले जाएं तो हमारा जो राग रुजा बहुत शीघ्र ही समन हो सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था कि जलौका और जलौकावचरण का, इन्हीं विषयों पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो फिगर में जो दिख रहा है स्पेशली लीचेज का जो कह सकते हैं कि जो हमारा मेडिकल यूज है वो इसी तरीके के लीकेज को हम अपने चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी को हमें पहचानना पड़ेगा, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो जानना पड़ेगा, इसी आधार पर हम आगे सबिस और निर्विस की बातें करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने जलौका के बारे में एक पृथक से अलग से चैप्टर दिया है, जलौकावचरण विधि अध्याय, जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 13 में है, और उन्होंने लिखा कि सीताधिवासा मधुरा जलौका वारी संभवा। और ऐसे मतलब जलौका वारी संभवा जल में ही संभव है, या कह सकते हैं जलौका जल जन्म भी, जो जल में ही जन्म लेती हैं या जल के बगैर जिनका जीवन नहीं है, और जो शीतल जल में अधिवास करती है मधुर रसयुक्त होती हैं, और जो पित्त व्याधियों में यूज किया जाएगा रक्त औसेचन के लिए यूज किया जाएगा वो जलौका है। हमारा आज का उद्देश्य स्पेशली टू स्टिमुलेट द क्लिनिशियंस स्टूडेंट्स एंड न्यू कमर्स, स्पेशली न्यू कमर्स, एंड टू गिव अवेयरनेस अबाउट द ब्लड लेटिंग प्रोसीडर्स एंड इन ब्लड लेटिंग स्पेशली द लीच थेरेपी प्रोसीडर्स। क्योंकि सब जानते हैं कि आयुर्वेद में पंचकर्म एक बहुत ही सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा प्रकार है कह सकते हैं, जिसमें हम अगर सुश्रुत संप्रदाय की या शल्य संप्रदाय की बात करें तो उन पंचकर्म प्रोसीडर में बमन विरेचन बस्ती नस्य के बाद एक रक्त मोक्षण को इंक्लूड किया जाता है। एंड रक्त मोक्षण इज नथिंग बट सिंपली ये टेक्निक्स टू लेट आउट द ब्लड, और वी कैन से दैट थेरापेटिक लेट आउट द ब्लड, और ऐसे भी कह सकते हैं कि थेरापेटिक लेट आउट द ब्लड फ्रॉम द डिजीज साइट। सो द डिफरेंट टेक्निक्स दैट अलाउइंग द ब्लड टू ब्लीड फॉर द थेरापेटिक पर्पजेज आर फॉल्स इन द हेडिंग ऑफ रक्त मोचन, एंड दिस रक्त मोचन इज ए ब्रॉड टॉपिक, एंड एवरी टाइप्स ऑफ द रक्त मोचन लाइक बेनी पंचर स्कैरिफिकेशन लीच थेरेपी श्रृंग एंड अलावू,
each have their own importance. And these structural procedures are now continuing practices in almost all of the or most of the Ayurvedic colleges by the scholars and by the clinicians who are practicing in the market. Bloodletting may be used in many surgical disorders and many medical disorders, and in conditions where the surgery either not suitable or not possible, in that condition the bloodletting may be option of therapy. Bloodletting procedures जो आयुर्वेद में वर्णित है उसमें तो बहुत सामान्य तरीके से एज ए चिकित्सा सूत्र बताया है कि त्वक दोषा ग्रंथिया रोगा त्वक दोषा ग्रंथिया सोफा रोगा सोलित जास्ते रक्त मोचन सीली नाम ना भवंती कदाचन, मतलब त्वचा के रोग ग्रंथि सोप और रक्त जन्य जो भी विकार हैं उनमें हम रक्त मोचन कर सकते हैं। ये एक सूत्र है और इस सूत्र को हम कितना इलोबरेट कर सकते हैं अपने तरीके से वो सारे हमें अपने एक्सपीरियंस से और कह सकते हैं कि लक्षणों के आधार पर हम अपने आप को जो है उस डिजीज के ऊपर फिट कर सकते हैं। ये रक्त मोचन साध्य जो व्याधियां हैं उनमें स्पेशली यही श्लोक को लोग फॉलो करते हैं, और त्वचा के रोग अगर काउंट करेंगे तो स्पेशली ऐसे रोग जो पित्त या रक्त जन्य हैं उनमें, और ग्रंथि जैसे कोई सोफ या ग्रंथि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में है आइदर इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन और बाय नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन, दोनों कंडीशंस में कोई दाह की अवस्था है, पाक की है, शोथ की, जो हमारे पित्त फीचर्स हैं उनके हिसाब से हम अपने को जो है पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज हैं जिसमें कुछ आर्टीरियल डिजीजेज, वेनस डिजीजेज, लिम्फेटिक डिजीजेज, कैपिलरीज डिजीजेज, उनमें हम जो है ब्लड लेटिंग प्रोसीडर्स को यूज करते हैं। बहुत सारे पेनफुल कंडीशंस हैं जिनमें स्पेशल इन्वॉल्वमेंट रक्त और पित्त का है, वहां पर हम एज ए ब्लड लेटिंग यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि इतने सारे ब्लड लेटिंग के प्रोसीडर्स हैं तो हमें कौन सी ब्लड लेटिंग की जो मेथड्स है वो किस बीमारी में और कब कहाँ यूज करना है, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि हम हाउ टू डिसाइड ए स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ ब्लड लेटिंग। तो उन्होंने अपने दोष अवस्था अनुसार, रक्त अवस्था अनुसार और आतुर अवस्था अनुसार क्लासिफाई किया है। तो जैसे सपोज दोष अवस्था अनुसार की हम बात करें तो कौन सा दोष इन्वॉल्व है, क्योंकि रक्त है, रक्तवात से भी दूषित हो सकता है, पित्त से भी दूषित हो सकता है और कफ से भी दूषित हो सकता है, क्योंकि जो है वात पित्त कभी ही त्रिदोष है। बट जब हम शल्य शास्त्र की बात करते हैं तो उन्होंने रक्त का इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या रक्त भी एक दोष है क्या। बट एक्चुअल में दोष तीन ही है, जो हमारा त्रिदोष वात सिद्धांत है और वो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है, उसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस शल्य तंत्र में रक्त का अत्यधिक है। सुश्रुत ने इस पर बहुत सारे श्लोक दिए हैं, चैप्टर्स दिए हैं और उन्होंने अपने व्यूज खूब अच्छे तरीके से रखा है कि देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते तस्माद् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति। उन्होंने कहा रक्त ही जीव है, और सबको मालूम है कि अगर शल्य तंत्र का कहीं बात होगा तो बिना रक्त के शायद संभव नहीं होगा। तो रक्त को हमें निकालना भी है, रक्त को प्रोटेक्ट भी करना है और डिजीज को ठीक भी करना है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब श्रृंग जलों का अलावों में अगर वात के कारण रक्त की दृष्टि हुई, पित्त के कारण रक्त की दृष्टि हुई और कफ के कारण दृष्टि हुई, तो वातज में श्रृंग, पित्तज में जलों का और कफज में अलाबू। फिर कहा अगर कोई सर्वांग शरीर में दोष इन्वॉल्व है तो शिराभेदन, और अगर एक देशस्थ है तो लोकलाइज्ड है तो उनमें प्रक्षालन। ऐसे ही अगर कहीं गुल्म की रोग है या कहीं ऐसी सर्जरी जो इंटर एब्डोमिनल या ऐसी स्थिति में है तो घटी यंत्र का यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का उनका ये क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन से दोष इन्वॉल्वमेंट है तो कौन से तरीके की विधियां हम यूज करेंगे। ऐसे ही दूसरा तरीका बताया कि दोष जो रक्त की दृष्टि है वो स्थित कहाँ है,
उन्होंने कहा कि वेदर दी दो सिचुएटेड एट दी सुपरफिशियल लेवल एट दी डीप आर डीपर आर डीपेस्ट आर वी कैन से इन दी होल बॉडी। तो उन्होंने लिखा कि सिरा बिसाड़े तुम वस्तु जलों का भी पदेश तथा अवगाढ़ यथा पूर्व निर्हरित दुष्ट शोणितम। सीधे सीधे बोला कि अगर सबसे ऊपर है तो पद मतलब प्रच्छा, स्कैरिफिकेशन, स्क्रैचिंग, इंसिजन, कुछ भी कह लें इसको, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स। अगर उससे डीप गया तो जलौका, और उससे भी डीप गया तो आपको तुम भी मतलब अलाबू, और उसके भी नीचे है तो श्रृंग, और सबसे अगर संपूर्ण शरीर में है तो सिरा भी। ये सुश्रुत का सुश्रुत शरीर स्थान का ये श्लोक है, जिसमें स्पेशली उन्होंने बताया कि सुपरफिशियल रक्त प्रच्छान्न स्लाइटली डीपर जलौका, और उससे भी डीप सीटेड है तो तुम भी, और अत्यंत गंभीर दोष है तो श्रृंग। ये स्पेशली इस बात पर निर्भर करता है कि चूंकि मेरा एम क्या है, मेरा एम है ब्लड लेटिंग। अगर सुपरफिशियल है तो माइनर इंसिजन देकर भी हम एपिडर्मिस और स्किन के इंटैक्ट को अगर हम कट कर दें तो शायद ब्लड लेटिंग हो जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो है अगर एक देशस्थ है तो वहां पर पिंडित रक्त है तो हम प्रच्छान कर देंगे, लेकिन जलौका का क्या है, जलौका भी ब्लड सक करती है, बट जो सक्शन सक्शन प्रेशर है या कह सकते हो सक्शन पावर है जलौका की, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जितना तुम्भी और श्रृंग का। तो तुम्भी में भी हम जो है एज कंपेयर टू जलौका निगेटिव प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, और श्रृंग तो अपने ऊपर है, श्रृंग में जो दो मुख है, एक शरीर पार्ट से बॉडी पार्ट से अटैच है और दूसरा मुख से। अगर हम श्रृंग से खींचने की कोशिश करें तो पर्सन या चिकित्सक के उस पर पावर पर है कि वो कितना बल लगाकर उस रक्त को खींच सकता है, मतलब अगर डीपेस्ट सीटेड ब्लड है तो भी हम उसे खींच सकते हैं। जैसे आजकल का कपिंग सिस्टम है, आप कम प्रेशर देंगे थोड़ा ब्लड आएगा, और डीप और जब पंप करेंगे तो और सर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होके और ज्यादा ब्लड ब्लीड करा सकते हैं। तो ये तुम्बी और श्रृंग का जो मॉडिफाइड रूप है वो आजकल कपिंग के नाम से प्रचलित है और लोग यूज भी करते हैं। ऐसे ही अगर कोई संपूर्ण शरीर में दोष है तो हम वहां पर शिराभेद करते हैं। लेकिन सुश्रुत ने चूंकि रक्त की दृष्टि है और उसमें सिरा रक्त मोक्षण करना है तो उसके लिए स्पेशली उन्होंने ये सारी विधियां बताई है, बट उन्होंने कहा है कि सर्वाणि सर्वैरवा, मतलब आप अपने हिसाब से अंशांश कल्पना करिए, अपने हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स को, अपनी फिजिबिलिटी को देखिए, और सभी को सभी में यूज किया जा सकता है, बट ये बेटर है कि इसको अगर आप प्रच्छान्न को सुप्त जो है वो तपस्थ में करेंगे, पिंडित रक्त में करेंगे तो बेटर है, उससे डीप जाना है तो जलौका। और ये एक विचार है कि आप उसकी अंशांश कल्पना कर 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 सकते हैं, बट अगर आपको जरूरत है तो किसी को किसी में भी यूज कर सकते हैं। आचार्य सारंगढ़ ने तो यहां तक लिख दिया है कि अगर लीच थेरेपी के महत्व को बताते हुए कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर रक्त मोक्षण कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो भी आप लीच थेरेपी वहां कर सकते हैं, अगर जरूरत है कि आपको दुष्ट रक्त निकालना है और पेशेंट की कंडीशंस, डिजीज की कंडीशन ऐसी लगती है कि आपको रक्त ब्लड लेटिंग नहीं करना चाहिए, फिर भी आप रक्त मोक्षण करना चाहते हैं तो जलौका उच्चारण वहां कर सकते। ऐसे ही एक पर्सन टू पर्सन, क्योंकि रोगी या आतुर की जो बल है वो अलग होते हैं, कुछ लोग जो है प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और कुछ अवर सत्व के हैं, तो जलौका उत्तरण क्योंकि कोई सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें ज्यादा नहीं होता तो ये एक परम सुकुमार तरीका है। तो जो सुकुमार क्वेसी पर्सन हैं उनको स्पेशली आप जलौका इंडिकेट करेंगे, और श्रृंग एंड अलाबू सुकुमार पर्सन के लिए, और प्रच्छान्न एंड शिराभेद क्योंकि ये इसमें कट, इंसिजन और जो है कुछ सर्जिकल मेथड्स जरूर फॉलो होंगे, तो इसलिए ये बलवान लोगों के लिए कहा। तो इतना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये था कि कल के चूंकि तुम्हें ब्लड यहाँ तो कल लेटिंग, हिट जो एक ब्लड लेटिंग एक प्रोसीडर है जो चिकित्सा में काफी यूज होती है, बट उसके जो 5 टाइप्स स्पेशली हैं उनमें से हम कौन सा कहाँ यूज करेंगे, तो अब जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दी लीच थेरेपी। आजकल क्योंकि लीच थेरेपी इतना पॉपुलराइज है कि मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हर वैद्य इससे अवेयर है,
और इस पर कुछ लोग अभी क्योंकि आर्टिकल पब्लिकेशन और साइंटिफिक रिव्यू और कुछ रिपोर्ट्स केस सीरीज बहुत तरीके के लोग वर्क करते हैं। तो जब हम आजकल रिसर्च करते हैं लीफ थेरेपी के नाम से तो हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो सामने आ जाते हैं। तो एक एग्जांपल है कि पबमेड में भी आज की डेट में लगभग 1087 रिजल्ट्स अगर आप लीफ थेरेपी टर्म से खोजेंगे तो मिलेगा आपको, और अगर हिरुडोथेरेपी के नाम से सर्च करते हैं तो लगभग 262 रिजल्ट्स हैं। ऐसे ही गूगल स्कॉलर में तो काफी कुछ मैटर्स मिलते हैं, और हिरुडोथेरेपी में भी एटलीस्ट 1550 रिजल्ट्स उस दिखाई देते हैं। ये डाटा बताने का सिर्फ ये मतलब था कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन उसमें एक लीज थेरेपी भी ऐसा विषय है जिस पर आप लोगों के रुझान बढ़े हैं और लोग वर्क भी करते हैं। वर्क पहले भी होता था बट आप डॉक्यूमेंट भी करते हैं और उसे पब्लिश भी करते हैं। और हमारे ख्याल से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन और पब्लिकेशन नहीं करेंगे तो आपके वर्क का रिकॉग्निशन शायद कम ही होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और आप कोई आप केस ठीक होते हैं तो उनको एटलीस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करो ताकि जो साइंटिफिक रिव्यू है वो और आसान होगा। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हु इज लीच एक्सपर्ट और व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ये लीच थेरेपिस्ट। तो सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 13 में उन्होंने लास्ट के श्लोक में सारा कुछ डिस्क्राइब करने के बाद एक बताया कि क्षेत्राणि ग्रहणम जाति पोषणम सावचारणम जलोक शाम चायो वेति तत्साध्यान सा दयित गदान। बहुत सिंपल चिकित्सा सूत्र कह सकते हो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। उन्होंने लिखा कि जो क्षेत्र को जानता है मीन्स हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लीकेज को जानते हैं, जो ग्रहणम ग्रहण करने की कैचिंग करने की विधि जानते हैं, उनको जो है पालन करने की विधि जानते हैं, जाति जो उनके डिफरेंट तरीके की स्पीसीज वेदर दे आर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, कौन सी स्पेसिफिक टाइप के लिए हमारे चिकित्सक के यूज के लिए जरूरी है वो जानता है, जो उनके पोषण को जानता है कि न्यूट्रिशन कैसे दें उनको, पोषण कैसे रखें पोषित कैसे रखें वो जानता है, और मेथोडोलॉजी को अच्छे से जानता है मतलब औच्चारण विधि को जानता है, पूर्व कर्म प्रधान कर्म पश्चात कर्म प्रिपरेशन क्या करना है, लगाना कैसे है, कॉम्प्लिकेशन कैसा होगा और हमें कब किन कंडीशंस में कितने कैसे यूज करना है ये जानता है। मतलब क्षेत्राणि ग्रहणम जाति पोषणम सावचारणम जलोकसाम चा योगेति, जो जलोका के बारे में ये सब जानता है वो साध्य रोगों को तत्साध्यान सा जयेत गदान, वो जो साध्य रोगों की चिकित्सा में विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये श्लोक तो बहुत छोटा है बट शायद मेरे लेक्चर का मैक्सिमम पार्ट इसी में आएगा, जो तो क्षेत्राणी को ग्रहण को जाति को पोषण को और अवतारण विधि को अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो हमें शास्त्र में आजकल एक चीज अच्छा है कि बहुत सारी जो खास करके ऑथेंटिक लोग जो लीच एप्लीकेशन करते हैं वो शास्त्र से जुड़े हैं और शास्त्र की कही हुई विधियों को लगभग फॉलो भी करते हैं। अब चूंकि जो चिकित्सा यूज करनी है तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि जोंक क्या है, बेसिक नॉलेज अबाउट जोंक या लीकेज होनी ही चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया जलम आसाम आयुर्वेद जलायु का एंड जलम आसाम हो कहित जलोक्सा और सीता दिवासा वारि संभवा जल जन्म भी, ये इसके जो नाम है ये स्पेशली ये है कि हमें वही लीच यूज करनी है जो एक्वेटिक है और जो जो है पानी में रहकर ही जिंदा रह सकते। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लीचेज का डिस्क्रिप्शन और भी है जो एक्चुअल में वाटर हैबिटेट नहीं। तो लीचेज कैन सर्वाइव इन वाटर विदाउट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट दे कांट सर्वाइव विदाउट वाटर इवन देयर इज ए एबंडेंस ऑफ द फूड। सो द लीचेज आर बिलोंग्स फैमिली बिलोंग द एनिमल किंगडम एंड द फाइलम एनिलिडा। क्लासेस आर हिरुडिनिया ऑर्डर गैंथ्रोपिलिडा एंड देयर जीनस आर हिरुडिनेरिया एंड स्पीसीज इज ग्रैनुलोसा। द फ्रेश वाटर एनिलिड्स लुक्स लाइक ए वर्म एंड देयर लेंथ इज लाइक 5 to 15 सेंटीमीटर। द मोस्ट ऑफ द लीचेज आर वी कैन से द इंडियन लीचेज दे आर ब्लैक आर ब्राउन ग्रीनिश कलर। द 650 नोन स्पीसीज ऑफ इन हिरुडोजीनस 15 आर मोस्टली यूज्ड फॉर
मेडिसिनल पर्पस, दीज आर डाटा दैट आर अवेलेबल ऑन द बैरियर इन द वेरियस रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इंडियन मेडिसिनल लीच आर हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा. द यूरोपियन लीचेज आर इन वेस्टर्न कंट्रीज द हिरुडो मेडिसिनलिस इज कॉमन लीच दैट्स आर यूजुअली प्रैक्टिस्ड, बट इन इंडिया द कॉमन इंडियन कैटल लीचेज आर द हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा आर इन प्रैक्टिसिंग बाय द क्लिनिशियन. The leeches have unique quality of blood sucking and they are ectoparasite. Their body is divided into 33 segments. Inme kya hai, annulus hai. Annulida ka jo matlab hai usme jo hai 33 segments isme hai, annulus hai. Iske 33 parts hai, but they are superficial only. Andar se complete division nahi hai, sirf superficial hai. Isliye inme contraction, relaxation aur movement bade aasani se hota hai. क्या एक्चुअल में the leeches are hermaphrodites in nature and they needs two leeches for cross fertilization. The leeches lay their eggs within the cocoon which is generally on their ventral surface. The leeches have two surfaces, anterior and posterior. With anterior two suckers, anterior suckers and posterior suckers. The anterior suckers are oval in shape and it sucks the blood while the posterior one provides the stability to leech. Leech ke suckers ke do role hain. Pehle anterior suckers ka to basic role hai ki wo blood suck karegi aur posterior ka main role hai movement, locomotion or swimming mein wo help karta hai ya position maintaining mein help karta hai. The scars produced due to bite of the leeches have figure of Y shape. बीच में बहुत सारे डेंटिकल्स होते हैं और जब ये किसी होस्ट पर या कह सकते हो डिजीज साइट पर जब हम लगाते हैं तो ये वाई शेप एक माइन्यूट इंसिजंस मेक करती है और वो ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ देयर डेंटिकल्स. अब आता है कि यूजेबल एंड अवॉइडेबल लीचेस कौन सी हैं, किसको हम यूज कर सकते हैं और किसको नहीं यूज कर सकते. तो ये एक प्रकार का काफी कठिन सवाल भी कह सकते हो और इसका आंसर इतना ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि हम सारे स्पीशीज को नहीं जानते, हम सारे स्पीशीज को देखे भी नहीं है और हम बहुत सारे ऐसे लीकेज हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है और शास्त्र में जो यवन पांडिसा है पौतन आदि जो दिए हैं वो उस तात्कालिक समय के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन था उस वो है, तो बहुत कुछ शास्त्र के हिसाब से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट इतना जरूर है कहा है कि हमें किसे यूज किसे नहीं करना है. सुश्रुत संहिता में लिखा है कि अगर कोई लीच स्थूल मध्य परिक्लिष्टा पृथ्व्यो मंद विचेष्टता आग्रहिण्यो अल्प पाइन्य सा विशिष्ट न पूजिता, ऐसा करके अगर कोई लीच बीच में मोटी है, किनारे पर पतली है, वो भद्दी दिखती है, बहुत चपटी है और वो मंद विचेष्टिता मतलब उसकी एक्टिविटीज कम है, ब्लड सकिंग कम करती है, कम मात्रा में ब्लड सक करती है और जो इजिली कैच ना हो सके या जिसे होल्ड ना कर सके, जो पॉइजनस है, ऐसे लीकेज का हमें यूज नहीं करना. तो सवाल ये उठता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी लीच सुटेबल है और कौन सी लीच नहीं सुटेबल है. तो एज पर एक्सपीरियंस वी कैन से, बट एक्चुअली कोई लीच देखकर ऐसे नहीं कह सकता कि ये पॉइजनस है और ये नॉन पॉइजनस है, 100% श्योर नहीं कह सकता, बट क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर ये जरूर कह सकता है कि हम इसे यूज कर सकते हैं, इसे यूज नहीं करना चाहिए. एज पर एक्सपीरियंस इन इंडिया मोस्ट ऑफ द लीचेज आर नॉन पॉइजनस एंड दे मे लाइव ओनली इन वाटर. और दूसरा क्या है, द फ्रेश वाटर एनिलिट्स लुक्स लाइक ए वार्म और जो उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके आधार पर हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि दे आर ब्लैक आर ब्राउन ग्रीनिश कलर या ऐसा कह सकते हैं कि ओलिव कलर का ओलिव ब्राइट कलर सुपर स्पेसिफिकेशन मार्किंग डार्सल सरफेस ओलिव ग्रीन कलर की और वेंट्रल सरफेस जो है वो ऑरेंज येलो और ऑरेंज रेड कलर की. Lateral side bear distinct strips of orange or yellow color.
एंड बाउंडेड बाय ब्रॉड ब्लैक स्ट्रिप्स एंड डार्सली मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ब्लैक स्ट्रिप। हम आपको ये इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो लीचेज हैं वो बेसिकली अगर आप सुपरफिशियल चीज में सुपरफिशियली देखेंगे तो वो जो है ओलिव ग्रीन कलर की मिलेंगी और बिल्कुल ब्राइट होंगी। जो वेंट्रल सरफेस होगा वो आपका येलो ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड कलर का होगा। ऐसे ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंटीरियर सकर पोस्टीरियर सकर देयर मूवमेंट्स देयर ब्लड सकिंग नेचर्स इन आधार पर हम पहचान सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहते हैं नहीं बिल्कुल मुझे ये देखना है कि हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा ही लेना है, हमें हिरुडो मेडिसिनलिस ही लेनी है, या जो है हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस है, या कोई ऐसी पर्टिकुलर लीच की ही बात करेंगे तो शायद शास्त्रीय तरीके से जो डिस्क्राइब लीचेज के निर्विस और सजेस्ट जलौका का डिस्क्रिप्शन है उनके आधार पर हम बहुत डीप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आजकल जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन जूलॉजिकल तरीके से है वो बहुत ही ब्रॉड और डीप नॉलेज के आधार पर है। तो मैंने एक बार कोशिश किया कि मुझे आइडेंटिफिकेशन करने की कौन सी लीच हम जो यूज करते हैं वो है। तो मुझे मैंने दो तीन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में प्रयास किया कि लाओ पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी लीच है। तो वहां पर मुझे जानने पर यह पता चला कि अगर आप चाहते हो कि कोई लीच आइडेंटिफाई करे तो आपके पास दो तरीका है, एक है जीन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग कराइए, दूसरा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स इतना आसान नहीं है जिसके आधार पर आप लीच आइडेंटिफाई करें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। हाँ ये रिसर्च का विषय है, आप अगर इसमें लगते हैं तो शायद लीच का आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स से आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स एनालाइज जेनेटिक हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर डिफरेंस प्रीडोमिनेंटली इन डीएनए सीक्वेंस एंड टू गेन इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कोरिलेशन बिटवीन फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट सच एज आई स्पॉट नंबर्स एनुलेशन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड बहुत कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजी और सीक्वेंसिंग के आधार पर करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स उन्होंने मुझे बताए कि अगर आप डीएनए सैंपलिंग करिए, उसकी सुपरफिशियल स्किन से आप डीएनए सैंपलिंग करिए, फिर उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कराइए, फिर डीएनए सीक्वेंसिंग कराइए और फिर उसको एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है इस पर आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करिए, क्योंकि वो एक प्रकार का डाटा बैंक है जिस पर लगभग जितने तरीके के स्पेसीज और कोई भी नया स्पेसीज अगर आइडेंटिफाई होता है तो उनकी जीन सीक्वेंसिंग एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर अवेलेबल है। तो ये जो स्टेप्स हैं अगर इनको फॉलो करेंगे तब जाके आप स्पेशली उस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि ये हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा है, हिरुडो मेडिसिनलिस है और ये सब। ये इसका जो एक्चुअल कास्ट मैंने पता किया तो एक लीच अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 8-10 लाख रुपीज का उसमें है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इस पर बहुत अच्छे तरीके से लगा जाए तो होगा, इन फ्यूचर में भी संभव है। बट अभी क्योंकि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करते हैं हमें करना है, तो हम क्या करते हैं शास्त्र के हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से जो लीकेज हम यूज करते हैं वो हमें प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी व्याधियां हैं जिनमें लीच का यूज करना है? तो जो भी रक्त दुष्टि है उसमें हम कर सकते हैं, और स्पेशली अगर वो पित्त के कारण रक्त दुष्टि है तो वहां जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही अष्टांग हृदय में श्लोक है कि धूल मारसो विद्रधीन पुष्टवात रक्त गलामयान नेत्र रूप सर्पान समयंती जलौका। जलौका कहां? गुल्म अर्स विद्रधि पुष्ट वात रक्त गले के रोग और नेत्र के रोग, इस अगर कोई विषाक्तता के कारण कोई रोग है और सर्प, इन स्थितियों में जलौका का यूज करते हैं। अब हम क्लिनिकली अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत तरीके की ऐसी डिजीजेज हैं जिसे हम अपने हिसाब से एनालाइज करके इंडिकेट कर सकते हैं। तो मेनी इंफ्लेमेटरी डिजीजेज एब्सेस विद्रधि और डिफरेंट वुंड्स क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड्स गैंग्रीनस कंडीशन इस्केमिक डिजीजेज पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज में लाइक बर्जर डिजीजेज वेनस डिजीजेज वेरिकोज वेन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऐसे ही एक मॉडर्न में आजकल प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे रिजेक्टेड ग्राफ्ट्स के लिए कंजेशन वेनस और कैपिलरी कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लीच थेरेपी को जो है इंडिकेट करते हैं
ऐसे ही थ्रोम्बोसिस कोई थ्रोम्बस बन गया, इम्बोलिज्म है जैसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेन फ्लेम या आईवी कैनुला लगाने के बाद अगर इंफ्लेमेटरी कंडीशंस बनती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, या कोई वेन्स इन्फ्लेम्ड है आइदर ट्रामेटिक आर ड्यू टू दी इंजरी आर इंफेक्शन, फ्लेबाइटिस की कंडीशंस है, इनमें आप लीच यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पेनफुल ज्वाइंट या आर्थराइटिस की कंडीशन है, लेकिन वो पेनफुल ज्वाइंट्स बेसिकली दाह और जो है राग या पाक या ऐसे कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के कारण आर्थराइटिस है, तो उनमें आप लीच का बेटर यूज कर सकते हैं। स्किन जो त्वचा के रोग हैं उसमें लाइक हर्पीस इन्फेक्शंस, लाइक सोरियाटिक लीजन, एक्जिमेटस लीजन, बहुत सारे डर्मेटाइटिस, डिस्कलरेशन, पैचेज, बहुत सारे नेत्र व्यंग जो आयुर्वेद के बहुत सारे रोग डिस्क्राइब है उनमें हम कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडर्न में मॉडर्न क्लिनिशियन और फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, जो है हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, उनमें भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और अपने यहाँ भी अब लोग काफी कुछ इन डिजीजेज में प्रैक्टिस में हैं। बहुत कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन होते हैं, जैसे कोई इपीकॉन्ड्राइलाइटिस, आइदर लैटरल इपीकॉन्ड्राइलाइटिस और मीडियल इपीकॉन्ड्राइलाइटिस, डायबिटिक अल्सर्स या क्रोनिक नॉन हीलिंग उसमें भी करते हैं, एज ए टीनोसाइनोवाइटिस और लोकल इंफ्लेमेटरी कंडीशंस ड्यू टू एनी रीजन, और अदर कंडीशंस लाइक पेरोनिकिया, प्लांटर इंफ्लेमेटरी कंडीशंस, थ्रोम्बोस्ट पाइल मास, इन्फ्लेम्ड पाइल मास एंड अदर्स, मेनी अदर्स कंडीशंस व्हिच आर हैविंग द फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर इन आयुर्वेदा आइदर इन्वायरमेंट ऑफ पित्त और रक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट रिफ्यूजल आर शोइंग नॉन इंटर नो इंटरेस्ट इन द थेरेपी। ऐसे ही आर्टेरियल इनसफिशियंसी होगी तो वहां ब्लड नहीं होगा, और जब ब्लड नहीं होगा तो वहां पर लीच अटैच नहीं होगी। ये भी एक कंडीशन है जहां लीच लगाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे ही पेशेंट्स हैविंग सम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, सो अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर थेरेपी, सो ट्राई टू अवॉइड, और इफ यू आर डूइंग लीच थेरेपी इन सच कंडीशंस देन यू टेक मोर कॉशन टुवर्ड्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ऐसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, एनीमिक पेशेंट्स हैं, तो उनमें भी लीच थेरेपी लगाने से पहले विचार करना चाहिए। पेशेंट्स टेकिंग एनी मेडिसिन लाइक एस्पिरिन या ब्लड थिनर्स, उनमें भी आपको ये लीच थेरेपी लगाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। ऐसे क्या कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली जो सब फील करते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश लीच, और अगर लीच अवेलेबल है तो देयर अटैचमेंट प्रॉब्लम्स लाइक डिलेड लीच अटैचमेंट एंड पेशेंट्स फियर, दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम। अदरवाइज द लीच थेरेपी द क्लिनिशियन नॉट फेस एनी सीवियर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द थेरेपी। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द केयर ऑफ द लीचेज आफ्टर लीच थेरेपी। लीच थेरेपी के बाद लीच को केयर करना ये भी एक आसान नहीं है। वन पर्सन मस्ट बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी देयर वॉमिटिंग, टू चेंज देयर वाटर, टू मेक द प्रॉपर रेस्पायरेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे लीच को आपको केयर करना है। नाउ द एक्ट व्हाट्स आर द मेथोडोलॉजी, तो हमें शास्त्र से अटैच भी रहना है और मॉडर्न सिस्टम का ध्यान भी रखना है, इसलिए चूंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग इसकी चिकित्सा पद्धति को अपनी थेरेपी या अपने डेली के प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो मेरा एक कहना है कि अगर आप लीच थेरेपी यूज करते हैं तो आप शास्त्र से जुड़े, ये ठीक है, बट आपको आज के समय के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप जहां भी एक रूल्स है बीएमडब्ल्यू रूल 2016, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2016, ये कहता है कि अगर कहीं पर ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है और ब्लड उसमें जो है आपकी थेरेपी में आइदर किसी भी फॉर्म में वो अगर यूज होता है, तो आप ये समझ लो कि आपको वो बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स फॉलो करने ही हैं। जो चूंकि एथिकल इशूज भी बहुत सारे उठते हैं, संक्रमण के भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि अगर आपको कोई ये कह दे कि आपने लीच लगाई और एचआईवी हो गया, मुझे लीच लगाने से हिपेटाइटिस हो गया, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को जो है आप ध्यान में रखते हुए फिर स्क्रीनिंग जरूर करें।
उसकी हीमोग्लोबिन लेवल को, उसकी क्लॉटिंग टाइम को, ब्लीडिंग टाइम को, उसकी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है उसको, और किसी तरीके का ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो उसको, पेशेंट एस्प्रिन पे है या नहीं है, या कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ट्राई टू सिलेक्ट द फ्रेश एंड फेमिलियर लीकेज, हमेशा फेमिलियर लीकेज को ही सिलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लीकेज हैं और जो फेमिलियर है उनमें थोड़ी हमें ये पता है कि वो लीच अप्लाई करने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, तो वो सिलेक्ट करने से बेटर रहता है। एज देयर इज ब्लड इन्वॉल्वमेंट, सो टेक फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस एंड मैनेज द बायोमेडिकल वेस्ट। इसलिए कभी कैंप लगाते हैं, किसी मरीज की थेरेपी करते हैं, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अरेंज एंड स्टोर द रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म द प्रोसीडर इन द क्लीन रूम, स्पेशली पॉसिबल इन माइनर ओटी और इन सब प्रोसीडर रूम। तो कोई भी अगर प्रोसीडर परफॉर्म करते हैं तो उसके त्रिविध कर्म की श्रेणी में ही हम उसे जो है रखते हैं, जैसे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो प्रिपरेशन जरूरी है, और फिर एक्चुअल एक्शन क्या है, और लास्ट में आफ्टर थेरेपी हमें क्या करना चाहिए, वो जो है मैनेजमेंट आना चाहिए। तो पूर्व कर्म या प्री और प्रिपरेशन जो है वो दो तरीके से है, एक है प्रिपरेशन ऑफ लीच एंड सेकेंड वन इज द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, हमें दोनों देखना है। तो प्रिपरेशन ऑफ जो है लीच क्या है कि लीच जब भी हम यूज करें तो हमें सबसे पहले उसे शोधन करना चाहिए, और शोधन करने के लिए शास्त्र में बताया है कि हरिद्रा या जो है सरसप का कल्क उस पर लेप करना चाहिए, या आज जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो टर्मरिक और वाटर जो है उसमें मिलाकर लीच को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 5 मिनट सफिशियंट है। इतने में क्या होगा, वो विगत क्लमह और मुक्त प्रीसह, ऐसी दो लक्षण सूत्रों ने बताए हैं कि विगत क्लमह मतलब कि लीच बिकम एक्टिव व्हाइल पुटिंग इन द टर्मरिक वाटर, और दूसरा क्या है कि जब टर्मरिक वाटर में रखते हैं तो वो मुक्त पुरीस है, उसके शरीर से डिस्चार्ज जो है वो, या माउथ से जो ब्लड इकट्ठा है माउथ में वो निकल जाता है। दूसरा उसका जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है वो क्लीन हो जाता है, तो देयर आर लेसर चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द लीचेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो लीच हम यूज करते हैं वो इन्फेक्शन फ्री हो। इस पर एक आर्टिकल JAIM जनरल में बहुत अच्छा सा पब्लिश है, और उनमें जब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि चूंकि एरोमोनास हाइड्रोफिलस एक बैक्टीरिया है जो कि लीच के गट में एज ए सिम्बियोटिक रहता है, सिम्बियोटिक एनिमल की तरह एरोमोनास हाइड्रोफिलस लीच के गट में 100% मिलता है और हमेशा मिलता है। तो अगर कोई कहे कि लीच का को एकदम इन्फेक्शन फ्री ही हो जाए तो, या बैक्टीरिया फ्री हो जाए जो गट बैक्टीरिया है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हम जो एक्सटर्नल सरफेस है, जैसे जिस पॉट्स में रखे हैं, जिस वाटर को मैंने यूज किया है, और जो एक्सटर्नल सरफेस से एडहेयर है, वो चीजें हमें एटलीस्ट इतना तो टर्मेरिक पाउडर में रखकर हम क्लीनिंग कर सकते। तो 5 मिनट्स टर्मेरिक पाउडर में अगर वाटर में रखते हैं तो उसके बाद उसको फ्रेश वाटर से क्लीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है तक्र कांजी या फ्रेश वाटर से उसको साफ करें। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। आप ये जरूर आइडेंटिफाई करें मुझे लीच कहाँ लगानी है, पोस्चर एंड पोजिशन। अगर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग लाइक एनल एरिया है, लाइक आई है, ईयर के पास है, माउथ है, तो आपको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि वो पोस्चर और पोजीशन हमें मेंटेन रखना चाहिए ताकि लीकेज जो है बॉडी के अंदर ना जाए। सिटिंग और लेइंग डाउन लेइंग पोजीशन डिपेंड्स ऑन द डिजीज साइट एंड ऑलवेज ट्राई टू एक्सपोज द रिक्वायर्ड एरिया ओनली। प्री ऑपरेटिव रबिंग इज रिक्वायर्ड। आप जहां पर लीच लगाना है वहां थोड़ा घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने का तरीका है वो गौच पीस से, क्योंकि शास्त्र में तो जो है बहुत सारे ऐसे जैसे गाय के गोबर से, मिट्टी से, और जो है कपड़े से रब करने के लिए लिखा है, बट आज के समय के हिसाब से
आपको कॉटन या गॉज पीस सफिशियंट है उसे रब करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा, रेडनेस बढ़ेगी और लीच अट्रैक्ट होगी अटैचमेंट के लिए। फिर आपको जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसकी भी तैयारी करनी है, किस टाइम में लीच लगानी है इसका भी ध्यान रखें। जैसे अगर एक्सेस विंटर है तो दोपहर का समय बेटर है, अगर कोई गर्मी का सीजन है तो मॉर्निंग का समय बेटर। प्रॉपर विजुलाइजेशन ऑफ लोकल साइट एंड वेन्स इज कंपल्सरी। तो अगर रब करते थे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन होगा और उस एरिया पर कोई ऑर्डर नहीं होगा, गंध नहीं होगी, तो लीकेज का अटैचमेंट आसानी से होगा एंड स्किन बिकम सॉफ्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस हो, गंध कम हो जाए और स्किन सॉफ्ट हो जाए तो इट जो है फैसिलिटेट द अट्रैक्शन ऑफ लीकेज और इट हेल्पफुल इन अटैचमेंट ऑफ द लीकेज। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ लीच एट द स्पॉट साइट, आपको दो तरीके हैं। एक तो आप उस जहां पर आपका डिजायर्ड साइट है वहां लगाने की कोशिश करें, या आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर इसी साइट पर लगाना है तो टारगेटेड लीच अटैचमेंट भी कर सकते हैं। लीच शुड बी हेल्ड विद द ड्राई गॉज पीस, फर्स्ट ट्राई टू स्टेबलाइज इट विद इट्स पोस्टीरियर सकर, देन अटैच इट्स माउथ ऑन टारगेट स्पॉट। आफ्टर इट बाइट्स इट शुड बी कवर्ड विद क्लीन सॉफ्ट एंड वेट गॉज पीस। ये सारी चीजें जो लिखी है बिल्कुल शास्त्र के ही हिसाब से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसको आप सही से पकड़ें, उसके एंटीरियर आग्रह उसके मुख से हॉस्ट की जहां लीच लगानी है वहां पर रखें, अगर वो जो खून पीने लगे तो उस पर कपड़े जो है बेड या आद्र जो है वस्त्र या कॉटन बेड कॉटन पीस उस पर रख दें ताकि वो ड्राई ना हो। इफ इट डज नॉट बाइट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेश ब्लड should be powered at that site, and if then also it does not bite, then perform the prachhan karma, make a minor prick or a minor incision at that site to jo hai ooze out some drops of blood. If trial needle se agar humne prick kiya to kuch blood ooze out honge aur aise conditions mein wo aasani se attach kar jayega. Leech mein ek sabse bada gun hai wo hai lawlia. लौल्य लोलुपता, रक्त के प्रति उनकी लोलुपता होती है और लीच रक्त को पान करने के लिए अपने शरीर से जितना उसका वजन है उससे 5 गुना ज्यादा रक्त जो है वो पी सकती है और तब तक पीती है जब तक जो है वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, और इसीलिए ज्यादातर केसेस में वो सेल्फ डिटैच हो जाती है। तो सुश्रुतरक संहिता का अग्रवर्ग में एक लिखा है कि लॉलियम क्लेश कराराम, लोलुपता जो है हमेशा क्लेश कारक होती है, तो लीकेज भी वो जान नहीं पाती, वो लोलुपता बस ज्यादा रखती है और फिर वो अपने आप पर ही नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब है कि हॉट्स आर द साइन ऑफ ब्लड सकिंग ड्यूरिंग द लीच थेरेपी दैट सीन इन द लीचेज, ऐसा होगा तो सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने कुछ पॉइंट्स या श्लोक में दिए हैं जिसमें लिखा अश्व खुरवद आननम, दैट मीन्स its mouth assumes the shape of the toe of the horse. aise hi unmay skandha when it jo hai neck ya shoulder region rises, skandha iska ujja jaisa photo mein aap dekh rahe hain ki jo uska shoulder ya jo hai neck region ka jo part hai wo uth jata hai, and it beats like a child. shishuvad utchhasanto, shishuvad utchhasanto, aur ek aur bhi hai ki barmi vat isme फ्लो दिखेगा, मींस पेरिस्टाल्टिक वेव्स मिलेंगे। तो आफ्टर नोइंग दैट इट हैज स्टार्टेड टू सक द ब्लड, इट शुड बी कवर्ड विद द गट गॉज एंड द गॉज शुड बी केप्ट दैट कंटीन्यूअसली बाय कंटीन्यूअसली प्योर पावरिंग ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑन द कॉटन ऑफ द कॉटन कवर्ड द लीकेज। अब अगला लक्षण है कि कब हम समझें कि ये सम्यक रक्तपान कर चुकी है। तो सुश्रुत संहिता में लिखा है कि अगर तोद पंडु पीड़ा अगर आने लगे तो इसका मतलब लीच शुद्ध रक्त पीना शुरू कर दिए, मतलब अब उसे हटा देना चाहिए। तो सुश्रुत संहिता में ही रक्त सम्यक रक्त मोचन के जो लक्षण हैं वो लीच थेरेपी के लिए भी लागू है कि लाघवम वेदना शांति गाधेर वेग परिचय सम्यक विश्रामिते लिंगम प्रसादो मनसस्तथा। पर्टिकुलर साइट में जो है वहां हल्का महसूस होगा, वेदना पीड़ा कम हो जाएगा और व्याधि का जो वेग है जैसे रेडनेस है, स्वेलिंग है,
कंडीशंस है वो कम हो जाएगी। तो लाघव वेदना शांति और व्याधि का जो वेग है वो कम हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो रिलैक्स महसूस करेगा। प्रसादो मनसस तथा। और अब एक सवाल और भी ज्यादातर उठता है कि लीचेज जो है इम्प्योर ब्लड सक करती हैं या प्योर ब्लड। तो अष्टांग हृदय ने बहुत क्लियर दिया है कि जो क्षीर नीर न्याय है, क्षीर और नीर में जो डिफरेंशिएशन करने की क्वालिटी जैसे हंस में होती है स्वान में, वैसे ही क्वालिटी दुष्ट रक्त और शुद्ध रक्त के बीच जलौका की होती है। उन्होंने लिखा संप्रक्ता दुष्ट शुद्धास्र जलौका दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथमं हंसः क्षीरम क्षीरोदकादि। क्षीरोदक से क्षीर जैसे हंस सेपरेट कर लेता है, ऐसे ही क्वालिटी जो है वो शुद्ध रक्त से में से दुष्ट रक्त को शक करने की ये जलौका की होती है। बट हम चूंकि लीच थेरेपी डिजीज साइट पे करते हैं और डिजीज साइट का ज्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें अशुद्ध रक्त ही होता है, तो हम जब भी लीच लगाते हैं तो ज्यादातर जो है उस एरिया का जो इम्प्योर ब्लड है वो पहले जो है शक करेगी ड्यू टू दी अप्रोच। जो नजदीक होगा वही पहले शक होगा, तो अशुद्ध रक्त का जो है सक्शन पहले करेगी और चूंकि उनमें लोलुपता है और ब्लड सकिंग उनकी आदत है इसलिए वो बाद में जो भी ब्लड उसको सक्शन में आएगा वो शक करेगी। इसलिए अगर तोड़ कंडू स्थान पर फील होने लगे, पेशेंट को पीड़ा होने लगे, उस समय समझ लेना चाहिए कि इसने जो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त था उसका पान कर लिया। अब आता है कि अशुद्ध रक्त क्या है। तो अशुद्ध रक्त की परिभाषा जो कि अगर आप पूरे शास्त्र को पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं इस तरीके की हेडिंग्स नहीं है कि अशुद्ध रक्त क्या है, बट ये जरूर बोला है कि शुद्ध रक्त क्या है। तो हम शास्त्र से ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें शुद्ध रक्त पता है तो हमें अशुद्ध रक्त का अनुमान लग जाएगा। तो शुद्ध रक्त के लिए उन्होंने क्या कहा कि इंद्र गोपक प्रतीकासम असंगतम च असमतम अविवरणम च प्रकृतिस्थम जानया। कहा कि इंद्र गोपक प्रतीकासम, इंद्र गोपक एक कीट है उसके कलर के जैसा ब्लड हो, मीन्स ब्राइट रेड कलर हो, असमतम असमत मतलब बहुत घना बंधा हुआ ना हो, मीन्स कि जो उसकी नॉर्मल विस्कोसिटी वाला ब्लड है अगर वो है तो ठीक है, असंगतम बंधा हुआ नहीं है, गाढ़ा नहीं है, स्थिर नहीं है। दो और तीसरा अविवरणम च जिसका कलर चेंज ना हो। इंद्र गोपक प्रतीकासम असंगतम अविवरणम च ये प्रकृतिस्थ रक्त के या शुद्ध रक्त के लक्षण है। अगर इसी चीज को पलट दें तो जो क्लॉटेड ब्लड है, स्टेग्नेंट ब्लड है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट लेस ब्लड है और कंटामिनेटेड ब्लड है आइदर विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एलर्जेंस और बाय पॉइजनस, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हम उसे अशुद्ध रक्त मानते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त के बीच का अनुमान करना चाहिए। और दूसरा मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि चूंकि हम जिस साइट पर लगा रहे हैं वहां पर आइदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, संघ होगा, स्रोतो संघ होगा, अवरोध होगा, या वहां की वो स्रोतो दुष्टि होगी, वहां पर किसी तरीके की रक्त की स्थिरता होगी, वहां पर जो है किसी तरीके का ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो न्यूट्रिएंट्स अपने आप कम होगा, और लाइक कोई पॉइजनस है, बर्न्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है तो हम उसको दूसरा अशुद्ध रक्त के इन्वॉल्वमेंट को मान सकते हैं। अब नाउ व्हेन एंड हाउ टू रिमूव द लीच फ्रॉम द साइट। जैसा मैंने बोला था कि तोद गंडू व्हेन पिकिंग पेन एंड इचिंग एट द साइट ऑफ बाइट फील्स Jelly leakage leave the site by itself or self-detached, but if it does not, then apply some honey or सेंधो powder. आप सेंधा नमक, हरिद्रा या शहद उसके मुख पर अगर रखते हैं तो वो अपने आप छोड़ देगी। But always take precaution. Don't pull the leakage forcefully. कभी भी लीच को फोर्सफुली खींच कर नहीं निकालना चाहिए। बिकॉज अगर आपने निकाला तो उसके कुछ डेंटिकल्स उसमें टूट जाएंगे और दैट मे कॉजेज जो है नॉन हीलिंग वुंड्स या अल्सर्स बनाएंगे जो बाद में पेशेंट काफी दिनों तक उसकी हीलिंग
नहीं हो। अब क्या है, हाउ कैन परफॉर्म दिस, कैसे परफॉर्म करें? तो पूर्व कर्म प्रधान कर्म में जो हम स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं वो पेशेंट्स प्रिपरेशन सुश्रुत संहिता में लिखा है कि अगर आप लीच लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं पेशेंट को तो तस्मान ना सीते ना त्युषणे ना शून्य ना दधाते, बहुत शीत ना हो, बहुत उष्ण की शीतता ना हो, बहुत उष्णता ना हो और बहुत ज्यादा स्वेदन या गर्म की स्थिति ना हो, ना अति तापित तापित ना हो। यवागु प्रतिपीतस्य, यवागु पीकर तब आप रक्त मोक्षण का प्रयास करें, ये ऐसा उनका निर्देश है। ऐसे ही लिखा ना नैव अति शीते ना त्रिशूणे ना प्रवाते ना चावृते शिराणाम वेदनम कार्यम आरोग्य व कदाचित, मतलब ये इन कंडीशंस है कि इन कंडीशंस में आपको इस कंडीशंस के हिसाब से आपको पेशेंट तैयार करना चाहिए। तो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स क्या है लीच के लिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो तैयार करें। पोजीशंस भी पहले ही डिसाइड करें कि लीच लगानी है तो मुझे किस पोजीशन में पेशेंट को रखना है ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, किस समय करना है और जो लोकल साइट वो प्रॉपर विजुलाइज्ड है या नहीं। ऐसे दूसरा जो सिरावेद के ही कंटेक्स्ट में बताया है वही सिरावेद का कॉन्सेप्ट या रक्त श्रवण का कॉन्सेप्ट लीच थेरेपी के लिए भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि कभी भी रक्त मोचन अति मात्रा में नहीं करना, रक्त मोचन हमेशा कम मात्रा में ही करना चाहिए क्योंकि रक्त जीव है और यह शरीर को धारण करता है। सबको मालूम है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ये धातुएं हैं, तो रक्त एक धातु है और जो पहला जो रस है उसका काम है प्रीणन और रक्त का काम है जीवन देना, तो हमें रक्त को कभी भी अति मात्रा में नहीं निकालना है। तो इन्होंने लिखा रक्तम सा शेष दोषम तो कुर्याद अपि विचक्षणा ना चापि प्रसृतः कुर्याद शेषम संसमनेर्जेत, रक्त को अगर रक्त में कोई दोष है भी तो सा शेष दोष अगर बचता भी है तब भी आपको रक्त मोचन अति मात्रा में नहीं करना है क्योंकि अति प्रसृत रक्त से जो है वो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। अगर दोष बच भी जाए तो उन्हें संसमन चिकित्सा के द्वारा ठीक करें, मतलब औषधियों से ठीक करें। इसीलिए उन्होंने उसका परिमाण दिया कि बलिनो बहुदोषस्य वयस्थस्य शरीरिणा परम प्रमाणम इच्छन्ति प्रथम शोणित मोचने, अगर बलवान हो भोगी बलवान हो बहुत दोष वाला हो और उसका आयु या काल भी जो है सही तरीके का या कह सकते हो कि युवा अवस्था की स्थिति हो शरीर बलवान हो फिर भी आपका उसका मैक्सिमम प्रमाण बोला एक प्रस्थ। जैसा सबको पता है कि एक प्रस्थ बराबर होता है 16 पल, बट बमन और विरेचन और रक्त मोचन के अगर संदर्भ में करेंगे तो एक प्रस्थ बराबर होता है 13.5 पल और एक पल बराबर होता है 4 तोला। तो अगर हम वन प्रस्थ की बात करेंगे तो ये 54 तोला और एक तोला में अगर हम 10 ml या 10 ग्राम लगभग मान लेते हैं तो 540 ml की बात हो। तो अगर हम सुश्रुत के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो हमें एक बार में कभी भी 540 ml से ज्यादा ब्लड नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत साइंटिफिक है ये जो तरीका है उनका, क्योंकि हम जब एक हमारे मॉडर्न साइंस में है हाइपोवोल्यूमिक शॉक, जब भी शॉक की कंडीशंस होती है तो क्या होता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो है दी वाइटल ऑर्गन्स में होता है तो शॉक की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर किसी को अब उसकी स्टेजेज है स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4, उन्होंने लिखा कि अगर सपोज किसी के बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, अगर 5 लीटर खून है और उसमें से अगर 15% ब्लड लॉस होता है तो दे फॉल इन दी कैटेगरी 1, मतलब अगर 15 जो है 750 ml तक ब्लड लॉस होता है तो स्टेज शॉक की फर्स्ट स्टेज में है और शॉक की फर्स्ट स्टेज में उसके वाइटल साइन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो सुश्रुत ने प्रमाण दिया वो बोला कि 13.5 पल एक प्रश या 13.5 पल या 54 तोला या 540 ml अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम क्वांटिटी आपको उससे कम ही करना है और कभी भी अति नहीं करना है। हमें साशेष दोष या कह सकते हो कुछ शरीर में दोष रह भी जाए तो भी आपको रक्त अत्यधिक मात्रा में नहीं निकालना, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसीलिए किसी को 50 ml किसी को 100 ml किसी को 200 ml
और ऐसा कोई पब्लिकेशन रिसर्च इस तरीके के वर्क नहीं है कि कोई ये बता दे कि इस बीमारी में जो है 200 ml निकालना है, इसमें 150 निकालना है, इसमें 50, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर है कि रोगी के और रोग को ध्यान में रखते हुए बलिनो बहुदोष से वयस्थ से शरीरम और इसी आधार पर आप प्रमाण निश्चित करें। अब अगर लीच लग गई है तो आफ्टर लीच थेरेपी, लीच रिमूवल के बाद हमें दोनों को केयर करना पड़ेगा, केयर ऑफ लीकेज और केयर ऑफ पेशेंट। तो केयर ऑफ लीकेज में क्या है, जेंटल केयर रिक्वायर्ड, वोमिट इट एंड पुट इट इन फ्रेश वाटर। आपको जलौका का जो रक्त शोषण किया है उसका दमन कराना जरूरी है, अदरवाइज आयुर्वेद के हिसाब से उसमें इंद्रमद या रक्तमत्ता नाम की जलौका में व्याधि हो जाएगी और वो मर सकती है। एंड अष्टांग संग्रह में साफ साफ लिखा है कि डोंट रीयूज सेम लीचेज बिफोर 7 डे, उन्हें 7 दिन तक रेस्ट दीजिए। तो ये लीचेज का जो है एक सेपरेट पॉट्स में रखिए, उसमें एयर जाने की सुविधा हो, उसका पानी 5 5 दिन पर, सॉरी पानी जो है उसका हर दूसरे तीसरे दिन जरूर चेंज करें, और उसमें जो भोजन है वो 5 7 दिन में आपको अवश्य जो है देना चाहिए। क्योंकि लीकेज मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोषण है वो रक्त सफिशियंट है उसी से वो ले लेती है, सॉरी वो वाटर में अगर आप चेंज कर दिए और ब्लड लेटिंग करने के बाद उसमें पुट कर दिए तो लीकेज कैन सर्वाइव मोर देन 6 मंथ विदाउट एनी डाइट। रोगी के केयर की क्या कैसे करेंगे, क्लीन विथ कोल्ड वाटर, अप्लाई सतधौत ग्रीत हनी टर्मेरिक पाउडर, रेस्ट प्रॉपरली एंड एडवाइज रेस्ट फॉर 2 आवर्स टू अवॉइड द ब्लीडिंग एंड ऑलवेज टेल द पेशेंट टू अवॉइड द सडन वॉक आफ्टर लीच। ऐसे ही पश्चात कर्म के लिए लिखा है, तो क्योंकि सिंपल है कि जो क्रोध मैथुन दिवाशयन असात्म्य आहार इन सब के लिए जो रक्त मोक्षण या शिरावेदन की बात परिहार काल है वो 1 मंथ है और लीच के लिए भी लागू है। और सुश्रुत में लिखा है कि क्योंकि रक्त एक धातु है तो धातु क्षयात श्रुते रक्ते मंदा संजायते अनला पवनश्च परम कोपम यादि तस्मात प्रयत्नता। इसलिए उन्होंने लिखा क्योंकि धातु क्षय होता है और धातु क्षय से अग्नि मंद और वायु का प्रकोप होगा, इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो है हमें अत्यधिक मात्रा में रक्त श्रवण नहीं करना। और इसलिए उन्होंने डाइट दिया है, नाप शीतर लघुवी स्निग्ध शोणित वर्धने और ईषद अम्लेर अनम्लेर वा भोजनेम समुपाचार, ना अधिक शीत ना अधिक नाप शीतलेर और लघु आहार स्निग्ध आहार रक्त वर्धक आहार ईषद अम्ल या अनम्ल भोजन इस तरीके के खाने में देने का बात किया है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो लीकेज है डुअल मोड ऑफ एक्शन, फर्स्ट बाय सकिंग द ब्लड एंड सेकेंड बाय इंसर्शन ऑफ सम बायो इंजेक्शन ऑफ सम बायो एक्टिव केमिकल। तो सकिंग ब्लड लोकल इफेक्ट्स इट कॉजेस द डिक्रीज इट डिक्रीजेस द कंडीशन ऑफ ब्लड, डिक्रीजेस द प्रेशर इन द डिजीज एरिया एंड दैट फाइनली फैसिलिटेट इन फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट ब्लड एंड दिस इंप्रूव्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ द रीजनल टिश्यू। ऐसे ही बहुत सारे बायोएक्टिव एजेंट्स लीच में हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, वैसोडायलेटर्स एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एनाफिलेक्टिक एजेंट्स। यही एक जो बायोएक्टिव केमिकल्स है यही एक क्वालिटी है जिससे जो है बायोएक्टिव केमिकल्स ही लीच को यूनिक बनाती है, क्योंकि इससे डुअल मोड ऑफ एक्शन होता है जो अन्य में नहीं होता है। अन्य जो लीच ब्लड लेटिंग प्रोसीडर्स हैं उनमें जो है वो ये बायोएक्टिव केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और इसी बायोएक्टिव केमिकल के आधार पर अगर कहीं पर हमें एंटीकोगुलेंट्स एक्शन चाहिए तो लीच लगाएंगे, कहीं कोई थ्रॉम्बस को पिघलाना है तो हमें लीच चाहिए। ऐसे ही अगर कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशंस है और ब्लड लेटिंग के अलावा भी हमें कैपिलरी कंडीशंस, मस्कुलर में मसल्स में इंफ्लेमेशन इत्यादि को कम करना है तो हम लीच को एज ए बेटर टूल्स यूज कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस, जनरली द लीचेज शोज नो एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स बट दे मे कॉज लोकल पेन, इचिंग एंड मे कॉज स्मॉल वुंड्स, हाइपोटेंशन एंड वेगोसोवेगल अटैक्स वेरी रेयर बट मे बी सीन इन सम पेशेंट्स व्हिच आर मोर कॉन्शियस
एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्टियस डिजीजे लाइक एड्स हेपेटाइटिस इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल एंड देर इज नो एनी स्पेसिफिक डाटा अवेलेबल रिगार्डिंग whether the leakage may transfer the infection or not. So हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि लीकेज को ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्टियस डिजीज को ध्यान में ही रखना है, क्योंकि हमें कोई ऐसा डाटा नहीं है कि एक एड्स एच आई वी इंफेक्टेड पेशेंट में लीक लगाया और फिर किसी दूसरे में हो गया तो लीच एच आई वी करेगी या नहीं करेगी, ये एक रिसर्च का विषय है. तो हमें हमेशा प्रिकॉशंस या जो सावधानी ही रख के काम करना चाहिए. और क्या प्रिकॉशंस की प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस फॉलो करें, प्रायर स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट स्क्रीन करें तभी लीच लगाएं और अवॉइड द रीयूज ऑफ सेम लीचेज टू अनदर पेशेंट, दूसरे मरीजों में लगाने से बचे. ब्लड लॉस होता है बट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है अगर अगर प्रॉपरली लगाया जाए तो. तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो इतना सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं होगा. अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लीच लगा सकते हैं, एक लीच, दो लीच, तीन लीच, चार लीच तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, बट मैक्सिमम लीकेज जो है संख्या वो ज्यादातर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 10-12 लीकेज एज ए सिंगल सिटिंग पेशेंट में अप्लाई किया है लोगों ने, तो उस कंडीशन में 0.7 मिलीग्राम पर डीएल जो है हीमोग्लोबिन लेवल्स वो डिक्रीज. तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो आपको हीमेटिनिक ड्रग्स देनी है, प्रेशर बैंडेजिंग करनी है, टॉपिकल हीमोस्टेटिक्स एप्लीकेशन करनी है, ये ध्यान रखना. देयर आर सम फोटोग्राफ्स दैट आई एम शोइंग आफ्टर लीच थेरेपी, ये कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी मिल जाते हैं. अब इसे हम इंफेक्टिव भी कह सकते हैं या कोई कोई सेंसिटिव भी होता है, या लीच छोड़ाते समय कभी डेंटिकल्स रह गए, कभी जो है वो इम्प्रॉपर उंड हीलिंग के कारण ऐसे स्कार्स बनते हैं और ये ब्लड डिस्पर्शन सबक्यूटेनियस रीजन या इरिथमेटस लीजन है, नॉन हीलिंग उंड्स हैं, ऐसे जो है लोकल साइट या पर्टिकुलर एरिया में जो है वो एडिमा कॉज करना ये मिलता है. ऐसे जो है जब हम लीच लगाते हैं तो फर्स्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि बहुत है नीडल प्रिक ना करें, क्योंकि जब बार बार नीडल प्रिक करते हैं तो वहां पर कैपिलरीज और वेंस पंचर होते हैं और दे में ऊज आउट द ब्लड बिलो द स्किन एंड दे स्प्रेड शोज लाइक एन रेड एंड एडिमेटस लेजन एट लीच एप्लीकेशन साइट. एक केस हमारे कलीग ही हैं, उन्होंने अपने फेस पर जो है कुछ डिसकलर्ड स्किन थी उसको सही करने के लिए लगाया और उसके बाद उनको पता नहीं किस तरीके की एलर्जिक रिस्पांस हुआ कि सेम वैसे ही कंडीशन हुई जैसे कोई जो है ततैया या बर्रे अगर डंक मारती है तो वैसे ही पूरे शरीर में सूजन और आंखों का जो है वो बंद हो जाना ऐसा पूरा हो गया जो है. ये केस प्रैक्टिकल है जो हमारे ही कलीग हैं एक डॉक्टर साहब उन्हीं का जो है ऐसा फीचर्स मिला. अब आता है कि वर्क वर्क तो बहुत तरीके के लीकेज पर हुए हैं और हो भी रहे हैं, लोग काफी प्रयास करते भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे वर्क भी हुए हैं. तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम दे रहे हैं, जैसे स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड लीच थेरेपी इन मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन, इसमें आप बहुत कुछ वेरिकोज वेन में लीच एप्लीकेशन का और जो है रिजल्ट का जो है फाइंडिंग कर सकते. हिस्ट्री ऑफ ब्लड लेटिंग जो कि ब्रिटिश जनरल में भी पब्लिश्ड है और फॉरेन जनरल में भी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस मिलते हैं जो लीच थेरेपी को सपोर्ट करते हैं. ये मेरा एक पर्टिकुलर केस रिपोर्ट हमने पब्लिश किया था जनरल ऑफ आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक मेडिसिन में, जब मैं शुरू शुरू में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश किया था तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बेटर रिजल्ट मुझे आसानी से जो मिला वो बर्जर डिजीज, और वो केस रिपोर्ट मेरे को मैंने पब्लिश भी किया और मेरे ख्याल से वो कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट से मेरे को बहुत ज्यादा फेथ भी डेवलप हुआ. ऐसे ही दी एंशिएंट सर्जिकल ब्लड लेटिंग मेथड्स ऑफ आर्टेरियोटोमी और सम अदर लीच एप्लीकेशन इन रिजेक्टेड स्किन ग्राफ्ट में, ये सारे पब्लिकेशंस आपको अगर उस विषय के बारे में ज्यादा जान जाएंगे तो मिलेगा.
इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था कि लीज थेरेपी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नो क्लियर विंडो। डॉक्टर संजीव रस्तोगी सर जो लखनऊ स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में है, सर ने काफी कुछ एक आर्टिकल डाला था जिसमें लीज का जो है वो इन्फेक्शन और लीज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। उसी के जवाब में एक जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंडिजिनस मेडिसिन में जो है JAIM जर्नल है उसमें एक आर्टिकल छपा था लीज थेरेपी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नो क्लियर विंडो। ये इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से लेटर टू एडिटर है, बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। अगर लीज थेरेपी में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एरोमेनॉस हाइड्रोफिलस बैक्टीरिया का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ये भी रखना चाहिए कि उसका एक्सटर्नल सरफेस कोई इन्फेक्टिव जो है पैथोजेंस कोई फंगस तो नहीं है उसके बॉडी पर, इसलिए आपको शोधन जरूर करना है। लीच को बिफोर थेरेपी टर्मेरिक वाटर में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट जरूर रखना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल लिखा है लेट अस कंसीडर वन लीच फॉर वन पर्सन सो एज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट्स। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रेगुलेट द कमर्शियल मार्केटिंग ऑफ लीचेज एज बिल लीचेज आर स्टिल अवेलेबल इन लोकल मार्केट्स। स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ साइंसेस हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द इंटरपर्सनल ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन थ्रू लीचेज और इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ लीचेज और लीच बाइट एंड ट्रेन टू इलिसिट अप्रोप्रिएट क्लिनिकल हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई थिंक। ऐसे ही कुछ वर्क जो मैंने कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वो इन द बुक इन फॉर्म ऑफ ए बुक एप्लीकेशन ऑफ लीज थेरेपी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें बहुत कुछ आप जो है हमने ट्राई किया है लगभग मेंशन करने के। एंड द लीज फार्मिंग प्रोजेक्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द लीज थेरेपी for market for making permanent availability of leachage and smooth functioning of patient care it is necessary to cultivate it in natural environment। ज्यादातर क्लिनिशियन चाहते हैं लीच थेरेपी करें और ज्यादातर लोग हमेशा जो है लीच थेरेपी करते भी हैं, बट कुछ लोग जो है सेम लीचेज को दूसरे पेशेंट में बार बार यूज भी करते हैं तो संक्रमण का जो चांस है वो ना हो। और दूसरा क्या है एक साइंटिफिक तरीके से लीच एप्लीकेशन हो, इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई का रेशियो मेंटेन रहे। तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो मेंटेन का आसान तरीका है कि आप लीच फार्मिंग करें, लीच कल्टीवेट करें। अगर लीच कल्टीवेट होगी तो हम जिस लीच को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं उसी का कल्टिवेशन करेंगे तो हमें लीच की सर्विस निर्विस और आइडेंटिफिकेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसलिए क्योंकि हर इंडिया में क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है तो कहीं बहुत ज्यादा ठंडी कहीं बहुत ज्यादा गर्म, तो हर एरिया हर क्षेत्र के लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। ये पूरे आयुर्वेद के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट हम लीच को कल्टीवेट करें, क्योंकि हर एरिया में कहीं ग्रो करता है कहीं नहीं करता, कहीं सफल होते हैं लोग कहीं नहीं सफल होते, बट ऑलवेज ट्राई इन दिस फील्ड टू एस्टैब्लिश द लीच फार्मिंग सेंटर। This is the leech farming center of our institute with the support of our respected director principals and the staff of cellular department. This unit is running and this leech farming center ke establish karne se at least mujhe bahut sare knowledge is field mein aaye, kyunki jab karte hain tab mujhe pata chalta hai iska temperature, इसका जो है वाटर की क्वालिटी कैसी हो और इसमें जो है हमें कितने दिन पे पानी चेंज करना है, मिट्टी चाहिए, घास चाहिए, धूप चाहिए, छाया चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस तभी समझ में आते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब लीचेज की सर्वाइबिलिटी और रिप्रोडक्टिविटी दोनों चीजें देखते हैं। दिस सेंटर इज इनॉग्रेटेड बाय हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। एंड एक दूसरा भी प्रयास मैंने किया जो एक बिल्कुल नेचुरल ओपन पॉन्ड है उसमें भी लीच डालने के डालकर और उसे कल्टीवेट करने का किया, बट क्योंकि इस पर अभी हम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए हैं, बट लीच फार्मिंग वाले प्रोजेक्ट में हमने इतना तो किया है कि एटलीस्ट लीच को कल्टीवेट किया है, बट वो इतनी क्वांटिटी में नहीं हुआ जितना
अपेक्षित। ऐसे इस लीच कल्टीवेशन से जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो हमने साझा करने की भी कोशिश की, इसीलिए हमने लगभग 3 आर्टिकल इस लीच फार्मिंग से रिलेटेड पब्लिश किए, जिसमें नेचुरल वाटर हैबिटेट से संबंधित है, दूसरा एनालॉग आयुर्वेदिक मेडिसिन में लीच फार्मिंग सेंटर द नेसेसिटी इंडोर एंड सक्सेस, जिसको अपनी बात को शेयर करने का प्रयास किया। ऐसे लीच फार्मिंग इन नेचुरल हैबिटेट इन ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट जो अभी हमने जल्दी पब्लिश किया है, वो भी आई होम जनरल नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग एक जनरल है, उसमें ये पब्लिश है लीच फार्मिंग इन नेचुरल हैबिटेट एंड ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट। इसमें हमने अपने जो पायलट स्टडी का पूरा पूरा डिटेल्स इस आर्टिकल में दिया है, जिससे आधार पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और अपने तरीके से भी डिजाइन कर लीच को कल्टिवेट कर सकते हैं। जस्ट ए मैसेज फॉर आवर लर्नर्स एंड आवर कलीग्स, ये हमारे तरफ से एक एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी शेयर किया। एंड इन ब्रीफ, लीच एप्लीकेशन फाउंड वेरी इफेक्टिव इन स्टेजेज ऑफ एब्सेस, इन्फ्लेम्ड पाइल्स, हर्पिस जोस्टर, पिंपल्स, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एक्जिमा, एक्ने एंड मेनी मोर डिजीजेस। द ट्रीटमेंट डज नॉट हैव एनी एक्चुअल सीरियस साइड इफेक्ट, डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी वायरल कंडीशंस। इन मेनी मेनी सिचुएशंस इट कैन बी यूज इन रूरल एरियाज, डे केयर एंड ओपीडी लेवल। कॉम्प्लिकेशंस लाइक पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस ड्यू टू हर्पिस जोस्टर कैन बी इन दैट कंडीशंस ट्राई टू अवॉइड इफ देयर इज एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन। It is very effective in the patient who are not fit for surgery because it acts as a parasurgical procedure. और जो सुश्रुत ने लिखा है कि शिशु नाम शस्त्र भीरुणाम शस्त्राभावे च योजे, उन्होंने लिखा कि त्वक्सार स्फटिक काच कुरबिंद जलौका अग्नि क्षार नख गोजी से फालिका साग पत्र करीर बाल और अंगुली, जो इस तरीके के अनुशस्त्र हैं उनमें जो जलौका है वो शिशु नाम शस्त्र भीरुणाम, शिशुओं में बच्चों में शस्त्र से डरने वालों में और शस्त्र के अभाव में एज ए पैरासर्जिकल टूल यूज कर सकते हैं। टू फाइंड आउट मोड ऑफ एक्शन ऑफ लीचेज एंड मेनी मोड्स अबाउट द लीच थेरेपी इट रिक्वायर्स टू वर्क टुगेदर विद बायोकेमिस्ट, बायोफिजिक्स, पैथोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, सर्जन एंड फिजिशियन। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द लीच थेरेपी डिपेंड्स ऑन द ड्यूअल एक्शन ऑफ लीचेज दैट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन दिस लेक्चर एंड द एक्सपीरियंस by doing this by clinicians and the cooperation of patients. सबसे पहले patient cooperate करेगा, आप उसे convince करेंगे, वो हमें support करेगा और हमारे experience उसी से gain होते हैं। इसलिए कभी एक ही case से शुरू करें but प्रयास करें और कोशिश करें कि हम लीच therapy start करें, through शास्त्र को follow करें but modern parameter को भी जरूर follow। I think this is all about of today talk. And thanks for your patience listening and